नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 विषय गुजराती पाठ 6 भरत। तो दरेक विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 36 पाठ 6 भरत खोली ने तैयार राखे। विद्यार्थी मित्रों, पाठ 6 छे भरत, जेनो साहित्य प्रकार छे एकांकी। तेमना लेखक छे राजा लक्ष्मण सिंह। तो सौ प्रथम आपणे तेनो परिचय मेळवी लईए। 1926 आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे, यानी अच्छी तरह से जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास की अभिज्ञान शांकुतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शांकुतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कर्ण के आश्रम में शांकुतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा था। सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियाँ बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण में वे रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। तो आ पाठ में शू आवे छे एनी माहिती आपणे मेळवेली। पात्र कया कया छे? तो के बालक जेनु नाम भरत, तपस्विनी पहली अने तपस्विनी दूसरी, और राजा, राजा का नाम क्या है? दुष्यंत। तो आ पाठ में शू आवे छे एनी आपणे थोड़ी घणी माहिती मेळवेली। दृश्य एटले के चित्र छे। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीड़ते हुए लाता है, एटले के खेंचीने लावी रह्यो छे, और दो तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं, एटले के छुपाईने संताईने ये जोई रहिया छे। तपस्विनी नो अर्थ अहीं थशे तप करने वाली स्त्री। तपस्विनी यानी तप करने वाली स्त्री। ओट, ओट यानी आड़, पीछे का भाग, वृक्षनी पाछळना भागे संताईने। के एक बाळक सिंहना बच्चाने, सिंह बाळने घसेटीने लई आवे छे। बन्ने जे तपस्वीओ छे एने रोके छे। राजा दुष्यंत छे ए वृक्षनी पाछळ संताईने आ दृश्य जोई रह्या छे। बालक, अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। शू कहे छे बाळक? के अरे सिंह, तू तारू मोढ़ू खोल, हूँ तारा दांत गणू। पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा ना ऋषियों ने सर्वदमन रखा है। सो ठीक ही है, सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला। दुष्यंत पुत्र भरत का एक नाम। अब जे पहली तपस्विनी छे ये शू कहे छे? के आ जिद्दी बाळक छे अने तू आ वनमां, आ जंगलमां पशुओ छे एने तू शा माटे हેરાન કરી રહ્યો છે? તારું નામ કે ઋષિ મુનિઓએ સર્વદમન રાખ્યું છે એ બરાબર જ છે, અને અમે તો આ પશુઓને આજે
पशुओ छे एना जे बच्चाओ छे एने अमे सारी रीते राखीए छीए। शू कहीए, पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है, कि आ पशुओं ने बाळकोनी जेम अमे साचवीए छीए। अने आ तारी जे हिम्मत छे तोफान करवानी ए दिवसे ने दिवसे वधती जाए छे। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से ए पोत आ बन्ने तपस्वीओनी वात सांभळीने बाळक अने तपस्विनीओनी वात सांभळीने दुष्यंत छे ए पोते ज कहे छे, आहा क्या कारण है कि मेराश ने इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। शू कहे छे के શું કારણ હોઈ શકે કે મારો જે આ પ્રેમ છે એ બાળકની તરફ વધારે છે। દૂસરી તપસ્વીની, જો તું ઇસ બચ્ચે કો છોડ ન દેગા તો સિંહની તુજ પર દોડેગી। બીજી તપસ્વીની છે એ શું કહે છે કે જો તું આ સિંહના બાળને છોડી નહીં દે તો સિંહની એટલે સિંહણ છે તારી પાછળ દોડશે। बालक मुस्कुराकर, ठीक है सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुँह चिढ़ाता है। शू कहे छे बालक छे हसीने कहे छे कि सारू शू कहे छे कि सिंहण ने નો મને આવો જ ડર છે। આવી રીતે મો બગાડીને આગળ જાય છે દુષ્યંત। આશ્ચર્ય છે, યહ બાલક અવશ્ય કિસી તેજસ્વી વીર કા પુત્ર હે, ઇસકા મુખ અગ્નિ કે સમાન દમક રહા હે, યાની ચમક રહા હે। કે દુષ્યંત છે રાજા છે એ આશ્ચર્ય સાથે કહે છે કે આ બાળક જરૂર કોઈ તેજસ્વી વીર પુત્ર હોવો જોઈએ, આનું મુખ છે એ અગ્નિની જેમ ચમકી રહ્યું છે। ત્યાર પછી પેજ નંબર 37 પર પહેલી તપસ્વીની, હે પ્યારે બાલક સિંહ કે બચ્ચે કો છોડ દે મેં તુજે ખિલોના દૂંગી। પેલી જે તપસ્વીની છે એ બાળકને શું કહે છે કે તું તો ખૂબ જ સારો બાળક છો, આ સિંહના બચ્ચાને તું છોડી દે, હું તને રમકડા આપીશ। બાળક હાથ પસાર કર, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है। हाथ खंखेरी ने कहे छे कि सारू पेला मने रमकड़ू दे, लाओ क्या छे। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देख कर स्वयं से कि दूर थी बालक नी हथेली जोईने हाथ पसार कर एटले तपस्वीनी छे एनी सामे हाथ लंबावीने कहे छे કે લાવો રમકડા ક્યાં છે। ત્યારે આ રાજા છે દુષ્યંત છે એ દૂરથી બાળકની હથેળી જોઈને પોતે જ કહે છે, આ ઇસકે હાથ મેં ચક્રવર્તીઓ કે લક્ષણ હે, ચક્રવર્તી યાની સમુદ્ર તક કી પૃથ્વી કો જીતને વાલા સમ્રાટ, ઉંગલીઓ પર કૈસા અદ્ભુત જાલ હે ઓર હથેળી કી શોભા પ્રાતઃ કમલ કો ભી લજ્જિત કર રહી હે। શું કહે છે કે આ બાળકની હથેળી કેવી છે, તો કે ચક્રવર્તીના રાજામાં જે લક્ષણો હોય એવું અહીં જોવા મળે છે, એની આંગળીઓ છે એમાં અદ્ભુત રીતે ઝાળ ફેલાયેલી છે, અને એની હથેળીની જે શોભા છે એ સવારનું ખીલેલું કમળને પણ શરમાવે તેવું છે। દૂસરી તપસ્વીની, હે સખી સુવ્રતા યહ બાતો સે ન માનેગા, છા મેરી કુટિયા મેં ઋષિ કુમાર કે ખેલને કે લીએ મિટ્ટી કા મોર રખા હે ઉસે લે આ। બીજી તપસ્વીની છે એ પહેલી તપસ્વીને કહે છે, એનું નામ હોય છે સુવ્રતા, એને સંબોધીને કહે છે કે આ એમને માનશે નહીં, આ વાત એમને માનશે નહીં। છા મેરી કુટિયા મેં, કુટિયા યાની ઝૂંપડી, કે ત્યાંથી ઋષિકુમારને રમવા માટેનું એક માટીનો મોર રાખ્યો છે એ તું લઈ આવ। પહેલી તપસ્વીની, મેં અભી લીએ આતી હું, અને જાય છે આ
कहे छे कि हाँ हूँ हमणां ज लई आवुं छुं एम कहीने ते जाय छे बालक। तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा, शू कहे छे कि त्यां सुधी हूँ आ सिंहना बाळक साथे रमीश। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है अने आवुं कहीने ए तपस्विनी तरफ जोईने हसवा लागे छे। दुष्यंत आप ही आप एटले मनमां ज कहे छे इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। शू कहे छे कि आ सुंदर बाळक ने जोईने मने तेनी साथे रमवानी इच्छा छे अने मारू मन केवू ललचाय छे तेनी साथे रमवा माटे। आह भरकर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मेली करते हैं। धूली यानी मिट्टी और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। तुतले वचन यानी तुतली बोली में बोले गए शब्द के मनमाज दुष्यंत छे कहे छे के मारू मन आ बाळक साथे रमवा माटे ललचाई रह्यू छे कि धन्य हशे आ माणस કે જેનો આ પુત્ર છે અને આ પુત્રની સાથે તેઓ રમતા હશે, પોતાના ખોળામાં રમી રહ્યો હશે અને જે એના અંગ ઉપર જે માટી લાગેલી છે, ધૂળ લાગેલી છે અને ખોળામાં જઈને એ રમતો હશે ત્યારે એનો ખોળો છે, એના કપડાં છે એ મેલા કરતો હશે અને કારણ વગર આ પુત્ર છે એ હસી રહ્યો છે ત્યારે તેના દાંત છે ઉજ્જવળ સફેદ દાંત છે એની શોભા છે એ વધારી રહ્યો છે અને સાથે સાથે એના વચન પણ। દૂસરી તપસ્વીની ક્યો રે ઢીઢ તું મેરી બાત કાન નહીં ધરતા। અહીં મુહાવરો છે બાત કાન પર ન ધરના યાની બાત અનસુની કરના, बात अनसुनी करना के क्यों रे ढीठ तू मेरी बात कान नहीं धरता के तू जिद्दी छे, शा माटे तू मारी बात सांभळी रहियो नथी। इधर उधर देख कर कोई ऋषि कुमार यहाँ है, आजूबाजू जोईने कहे छे के जो अहीं आजूबाजू कोई ऋषि कुमार छे। दुष्यंत को देख कर हे महात्मा तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। बलि यानी बलवान के आजूबाजू जोवे से कोई ऋषि कुमार छे, जो हो तो एने छोड़वा माटे कहो। तो त्या ए दुष्यंत ने जोवे छे अने कहे छे हे महात्मा एने संबोधीने के तमे आवो अने कृपा करीने आ बड़वान शक्तिशाली बाड़क छे तेना हाथमांथी सिंहना बच्चा ने तमे छोड़ावो। दुष्यंत अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर ते बाड़क पासे जाय छे अने हसीने कहे छे हे ऋषि कुमार तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है, यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दुष्यंत बाड़क पासे आवीने कहे छे हसीने कि हे ऋषि कुमार तू आ तपोवन के विरुद्ध कि आज तपस्वी भूमि छे एनी विरुद्ध वर्तन शा माटे करी रहियो छे, जेथी करीने तारा कोड़ेनी लाज जाय, आ तो कोई सारी बात नथी। आ सांभळीने बाळक छे ए सिंहना बच्चाने छोड़ी दे छे। त्यार पछी पेज नंबर 38 पर दूसरी तपस्विनी हे बड़भागी यह ऋषि कुमार नहीं है। बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाला क्या ऋषि कुमार नथी। दुष्यंत सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के है कि साचु छे आनु काम ज एवं साहस भरेलू छे। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता कि आ ऋषि कुमार तो ओळखातो नथी, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था के परंतु आ तपोवन में रहे छे एटला माटे मने एवं लाग्यू कि आ ऋषि पुत्र हसे।
बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से के बाड़कनी हथेली पोताना हाथ में लईने जाते बोले छे, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़ भागी का यह बेटा है, बड़े भाग्यवान का बेटा है, उसे कितना हर्ष होता होगा। शू कहे छे दुष्यंत के आ बाड़कनी हथेड़ी ने मारी हथेड़ी में राखी ने हूँ आटलो खुश थाउ छू, तो जेनो आ पुत्र हसे ये केटलो आनंद बा हसे, केटला एने आनंद थतो हसे, हर्ष हसे। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर बन्ने नी तरफ जोईने बड़े अचंभे की बात है। अचंभा यानी आश्चर्य, के आ तो आश्चर्य नी बात छे। दुष्यंत तुम्हें क्यों अचंभा हुआ, के शा माटे तने आश्चर्य थयु। दूसरी तपस्विनी इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। सूरत यानी चेहरा। शू कहे छे बीजी तपस्विनी के एटला माटे के आप बाड़क ने जे चेहरो छे तमारी तमारा चेहरा साथे मळतो आवे छे अने तमने ओळख्या विना ज तेणे तमारी बात मानी लीधी। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है। बाड़क ने गोद में उठावीने तपस्वी ने पूछी रहिया छे, क्या ऋषि कुमार नथी तो क्या वंश नो छे। दूसरी तपस्विनी यह परुवंशी है। परुवंशी यानी पूर्ववंशी है। पूर्व यानी नाम के राजा के कुल का राजा दुष्यंत पूर्ववंशी है। पूर्ववंशी नाम के राजा के कुल का है दुष्यंत स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है, ला माटे आनो चेहरो मड़तो आवे छे। बच्चे को गोद से उतार कर यानी खोड़ा माथी उतारी ने पूर्ववंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। शु कहे छे के पूर्ववंशियों में आ रीत छे, आ रिवाज निश्चित छे कि युवावस्था में ए महल में रहीने पृथ्वीनी रक्षा करे, पालन पोषण करे अने वृद्धावस्था आववा पर तपस्वीनी जेम आश्रम में रहे, वृक्षनी नीचे झूपड़ी बनावीने रहे अने अने आगळ कहे छे कि देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। शु कहे छे कि देवता जेवी शक्तिशाळी छे आ बाळक अने निडर, तो आ बाळक छे ए असाधारण मनुष्यनो केवी रीते होई शके। दूसरी तपस्विनी कहे, हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। शू कहे छे आगळ तपस्विनी कहे छे दुष्यंत ने संबोधी ने के तारी आजे शंका छे त्यारे दूर थासे के ज्यारे तू आ बाळकनी माता के जेनू नाम मेनका छे अने अप्सरा की बेटी है अने ते अप्सरा नी दीकरी छे, अप्सरा नो अर्थ शू थाय तो के देवलोक में रहने वाली स्त्री। देवपितर, देवपितर नो अर्थ थशे देव और पूर्वज। तो विद्यार्थी मित्रों त्यार पछी आपणे पेज नंबर 39 ने 38 थोड़ूक बाकी छे तेनो अभ्यास आपणे आवता वीडियो में करीशुं। अस्तु, जय हिंद, वंदे मातरम।